good morning dear students welcome to the next year that is ba third year history 2021-22 in this new session we are just meeting with the virtual technique and i hope that you will enjoy this technique in this very first lecture we shall discuss about the syllabus cca and pattern of examination लेट मी इंट्रोड्यूस द सिलेबस फर्स्ट आपका हिस्ट्री के अंदर जो सिलेबस हैं उसके अंदर आपके पास डी के दो कोर्स हैं आज मैं आपको डी जो फर्स्ट कोर्स आपके पास हैं उसकी बात करूंगा आपके कोर्स का जो टाइटल रहेगा वो है मॉडर्न एंड कॉन्टेम्प्रेरी वर्ल्ड हिस्ट्री वन 1871 टू नाइनटीन हंड्रेड डी एस सी हिस्ट्री ए थ्री जीरो फाइव ये कोड रहेगा और सिलेबस के अंदर आपके पास कुल मिलाकर के चार यूनिट हैं और हर एक यूनिट के अंदर चार चार चैप्टर दिए गए हैं सबसे पहला जो यूनिट है जिसे इंट्रोडक्शन यानी परिचय के रूप में इंट्रोड्यूस किया गया है इसके अंदर चार चैप्टर दिए गए हैं फर्स्ट चैप्टर हैं आधुनिक व समकालीन इतिहास जिसमें कि हमारा प्राइम फोकस रहेगा मुख्य विशेषताएं सेकेंड यूनिट है इटली व जर्मनी का एकीकृत राष्ट्रों के रूप में उदय यानी यूनिफिकेशन ऑफ इटली एंड यूनिफिकेशन ऑफ जर्मनी थर्ड चैप्टर है यूरोपीय प्रभुत्व तथा यूरोप के पारस्परिक साम्राज्यवादी प्रतिस्पर्धा व विवाद यूरोपियन हैजी एंड यूरोपियन इम्परलिस्टिक राइवलरी एंड नेक्स्ट जो लास्ट चैप्टर आपका फर्स्ट यूनिट के अंदर रहेगा गठबंधनों का उदय यानी फॉर्मेशन ऑफ अलायसेस सामाजिक तनाव और सामाजिक आंदोलन सोशल टेंशन एंड सोशल मूवमेंट ये फर्स्ट यूनिट है और चार चैप्टर फर्स्ट यूनिट के अंदर आपके दिए गए हैं सेकेंड यूनिट की अगर हम बात करें इसमें भी आपके पास कुल मिला करके चार चैप्टर हैं और सेकेंड यूनिट का जो टाइटल है वो है गृह युद्ध के बाद अमेरिका का उदय राइज ऑफ अमेरिका अमरजेंस ऑफ आफ अमेरिका आफ्टर सिविल वॉर फर्स्ट चैप्टर आपके पास है ग्रह युद्ध के बाद अमेरिका का उदय किस प्रकार हुआ क्या कारण थे अमेरिका के उदय रहने के दूसरा जो यूनिट है आपके पास और दूसरा जो चैप्टर है जापान का विश्व शक्ति के रूप में उदय मेजी के अधीन जापान का आधुनिकरण आर्थिक विकास और चीन जापान युद्ध ये सेकंड चैप्टर के अंतर्गत हम पढ़ेंगे थर्ड जो आपका चैप्टर रहेगा सेकंड यूनिट में एशिया में राष्ट्रवादी आंदोलन का उदय जिसमें कि चीन में कोमिनतांग तांग का उदय मांचू शासन का अंत इसके विषय में हम जानकारी प्राप्त करेंगे और जो लास्ट चैप्टर आपका सेकेंड यूनिट का है वह है ओटोमन साम्राज्य तथा अरब जगत इसमें सुल्तान अब्दुल हमीद का राज्य रोहन तथा तरुण ओटोमन आंदोलन और युवा तुर्क आंदोलन 1905 में जो हुआ था उसके विषय में विस्तृत जानकारी प्राप्त करेंगे थर्ड यूनिट आपका है रूस में जार शासन का अंत एंड ऑफ द जार रेजीम इसमें भी चार चैप्टर दिए गए हैं फर्स्ट चैप्टर है 1904 5 में रूस जापान युद्ध तथा इसके परिणाम और दूसरा चैप्टर है 1905 में रूसी क्रांति थर्ड चैप्टर है आपके पास बालशेविक क्रांति की ओर जिसमें जिसे फरवरी मार्च की क्रांति भी कहा जाता है और लास्ट चैप्टर है अक्टूबर 1917 की क्रांति जिसमें कि सामाजिक राज्य में सामाजिक आर्थिक नींव की जो स्थापना पड़ी थी रूस के अंदर उसको हम विस्तार से अध्ययन करेंगे लास्ट जो यूनिट है फोर्थ यूनिट इसका जो टाइटल आपके पास है प्रथम विश्व तथा इसके बाद फर्स्ट वर्ल्ड वॉर एंड आफ्टर इसमें भी चार चैप्टर आपके पास दिए हैं फर्स्ट चैप्टर है यूरोपीय राज्यों की नई गुटबंदी आंग्लो जर्मन शत्रुता तीसरा है प्रथम विश्व युद्ध के कारण घटनाएं तथा परिणाम और चौथा जो चैप्टर है युद्ध उपरांत व्यवस्था व सामाजिक आर्थिक प्रभाव फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के पश्चात किस प्रकार जो है युद्ध के बाद जो सेटलमेंट हुआ था पीस सेटलमेंट जिसको आप कहते हैं और किन किन देशों के साथ कौन कौन सी संधियां हुई और इसके साथ साथ हम ये इसमें जान पाएंगे कि जो सामाजिक आर्थिक प्रभाव है वो किस प्रकार जो है इसमें महत्वपूर्ण रहा था सी की अगर हम बात करें जिसे कॉन्टिन्यूस जो वो कॉम्प्रिहेंसिव असेसमेंट कहा जाता है इसमें तीन महत्वपूर्ण कंपोनेंट है फर्स्ट इज अटेंडेंस सेकंड इज असाइनमेंट एंड थर्ड इज हाउस एग्जामिनेशन अटेंडेंस की अगर हम बात करते हैं तो 75% से 80% के बीच में 1 मार्क्स मिलता है 81 से 84 के बीच में 2 मार्क्स मिलते हैं 85 से 89 के बीच में 3 मार्क्स मिलते हैं 90% से 94 के बीच में 4 मार्क्स, मार्क्स मिलते हैं 95% एंड अबव को 5 मार्क्स मिलते हैं असाइनमेंट्स में हम जो है वो आपको क्वेश्चन असाइन कर सकते हैं टॉपिक असाइन कर सकते हैं हम आपकी प्रेजेंटेशन ले सकते हैं ग्रुप डिस्कशन हो सकता है पैनल डिस्कशन हो सकता है क्विज जो है वो हम ऑर्गेनाइज कर सकते हैं ये असाइनमेंट वो हमारे ऊपर निर्भर करेगी कि हम क्या आपको टास्क देते हैं हाउस एग्जाम का जो कंपोनेंट है वो पंद्रह नंबर का होता है जब सिलेबस आपका सेवेंटी कवर हो जाता है तो उसके पश्चात जो हाउस एग्जाम ऑर्गेनाइज किया जाता है और इन तीनों कंपोनेंट को मिला करके जिसमें कि आपके पास पाँच नंबर का अटेंडेंस है दस नंबर का आपके पास असाइनमेंट है और पंद्रह नंबर का उस एग्जाम है ये तीस नंबर के लिए जो है आपके पास कंपोनेंट होता है इसमें थर्टी फाइव मार्क्स आपको थर्टी फाइव परसेंट मार्क्स लेना अनिवार्य है यानी इलेवन मार्क्स मिनिमम पासिंग मार्क्स लेना अनिवार्य है अब बात करते हैं पैटर्न ऑफ क्वेश्चन पेपर क्वेश्चन पेपर का जो पैटर्न आपके पास रहता है वैसे तो आप बी थर्ड ईयर के स्टूडेंट्स हैं लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है कि अभी तक आपने सिटी एग्जामिनेशन को फेस नहीं किया है यू हैव बीन प्रमोटेड इन द फर्स्ट ईयर एज वेल एज इन द सेकेंड ईयर सो इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टू नोट डाउन द पैटर्न ऑफ क्वेश्चन पेपर क्वेश्चन पेपर आपका सेवेंटी मार्क्स का होता है और इसमें आपके पास पांच सेक्शन दिए होते हैं सेक्शन ए सेक्शन बी और सेक्शन सी सेक्शन डी और सेक्शन ए e. सेक्शन ए आपके पास जो दिया गया है वो कंपल्सरी सेक्शन है और ये आप यहाँ देखिए सेक्शन ए कंपल्सरी सेक्शन आपके पास है और इसमें दो पार्ट दिए गए पार्ट ए और पार्ट बी पार्ट ए में आपके पास आठ क्वेश्चन दिए होते हैं वेरी शॉर्ट टाइप ऑफ क्वेश्चंस जिसमें की प्रिफरेबली आपके पास या डेफिनेशन होती है या कंसेप्ट होता है या कोई फैक्चुअल क्वेश्चन भी हो सकता है और स्टूडेंट्स को आठ में से केवल कितने पांच मार्क्स पांच क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने होते हैं और ये पांच क्वेश्चंस आपके लिए दो दो मार्क्स के लिए होते हैं और इन दो-दो को मिला करके आपके पास कुल मिला करके दस नंबर के लिए जो है वो ए का पार्ट ए होता है जहां तक सेक्शन बी सेक्शन ए का पार्ट बी अगर हम बात करें इसमें आपके पास छह शॉर्ट क्वेश्चन होते हैं और छह में से केवल आपको चार क्वेश्चन ही अटेम्प्ट करने होते हैं और इन चार प्रश्न में प्रत्येक का पांच मार्क्स होता है और यानी कुल मिलाकर के आपके पास ट्वेंटी मार्क्स का पार्ट बी सेक्शन ए हो का होता है दोनों में मिलाकर के दस नंबर ए है वो 30 मार्क्स का होता है वेरी वेरी इंपॉर्टेंट और इसमें सारा सिलेबस सारे यूनिट्स कवर किए जाते हैं यानी ये हर चैप्टर में से हर यूनिट में से जो है इसमें प्रश्न रहते हैं जहां तक बात आंसर ऑफ लेंथ की हैं तो इसमें जो लेंथ रहेगा जैसे पार्ट ए है पार्ट ए में आपके पास एक पैराग्राफ भी हो सकता है डिपेंड करता है कि आपके से क्वेश्चन क्या पूछा गया है नेचर ऑफ क्वेश्चन क्या है अगर आपके पास डेफिनेशंस हैं या कंसेप्ट हैं तो आपको एक पैराग्राफ में भी उसको एक्सप्लेन करने की जरूरत पड़ सकती है अगर फैक्चुअल क्वेश्चन है वो एक लाइन या एक शब्द में भी उसका आंसर दिया जा सकता है दैट डिपेंड्स ऑन द नेचर ऑफ क्वेश्चन जो पार्ट बी है सेक्शन ए का जिसमें कि आपने फाइव मार्क्स के लिए अटैम्प्ट करना है इसके अंदर आपको जो है वो कम से कम एक पेज डेढ़ पेज लिखना होता है और यहाँ विशेष रूप से आपको हैडिंग वाइज भी आप लिख सकते हैं जो फैक्ट्स आपके पास दिए हैं उन फैक्ट को आप हाईलाइट भी कर सकते हैं और साथ में हर एक पार्ट जो इसके दिए गए हैं वो एक साथ ही अटैम्प्ट किए जाने चाहिए अर्थात कुछ बच्चे क्या करते हैं कि इसका पार्ट ए जो है वो एक पेज पे अटैम्प्ट करते हैं पार्ट बी जो है वो लास्ट में अटैम्प्ट करते हैं ऐसा नहीं करना है सभी पार्ट जो दिए गए हैं पार्ट बी के उनको आप एक साथ अटेम्प्ट करें जो कि क्वेश्चन पैटर्न के अनुसार बताए गए हैं सेक्शन बी सी डी ई ये जो है वो आपके पास दस दस नंबर के लिए प्रश्न होते हैं और इसमें अगर आंसर आन, के लेंथ की हम बात करें तो ये आपके जो है विशेष करके सभी आंसर सेम लेंथ के होने चाहिए बिकॉज दे आर ऑफ इक्वल मार्क्स यानी आप दस दस नंबर के लिए कुछ बच्चे क्या करते हैं कि एक जो उनको आंसर आता है उसको वो सात पेज में लिख देते हैं दस पेज में लिख सकते हैं और जो, जो उनको कम आता है वो केवल दो पेज में एक पेज में समेट देते हैं ऐसा नहीं है क्योंकि सबके इक्वल मार्क्स है तो इसकी आंसर की लेंथ भी एक जैसी होनी चाहिए अमूमन जनरलाइजेशन अगर मैं आपको बताऊं तो पांच पेज या सर पेज से आपका बहुत अच्छा आंसर बन सकता है और इसमें आप हेडिंग जरूर डालें हेडिंग के साथ साथ उसको एक्सप्लेन करने के लिए जो कंटेंट है वो फैक्चुअल आपके पास होना चाहिए लॉजिकल होना चाहिए सीक्वेंस में होना चाहिए ये चीजें बड़ी इंपॉर्टेंट रहती हैं जब एग्जामिनर आपके पेपर को इवेलुएट करता है जो सेक्शन बी है ये इसमें फर्स्ट यूनिट में से आपके पास दो प्रश्न रहते हैं और इसमें जो चार चैप्टर दिए गए हैं चार चैप्टर में से कोई दो प्रश्न आपको सेलेक्ट करके दिए जाएंगे उसमें से आपको केवल एक ही अटेम्प्ट करना है ठीक उसी प्रकार जो सेक्शन सी है सेक्शन सी सी में आपके पास सेकेंड यूनिट में दो प्रश्न दिए जाएंगे सेकेंड यूनिट से और उसमें भी आपने केवल एक ही अटैम्प्ट करना है इसी तरह से पार्ट डी जो वो थर्ड यूनिट में से दो प्रश्न आपको दिए जाएंगे उसमें से भी आपको केवल एक ही अटैम्प्ट करना है सेक्शन ई में भी आपके पास जो फोर्थ यूनिट है जिसमें कि चार चैप्टर दिए गए हैं उन चार चैप्टर में से आपको दो प्रश्न दिए जाएंगे और आपको केवल एक अटैम्प्ट करना है इस अर्थात कुल मिलाकर के जो हमारे पास यहाँ अगर हम बात करें तो ये सेक्शन ए बी सी डी इन तीनों को मिला करके हमारे पास 70 मार्क्स का जो है यहाँ पर रहती हैं और जो पासिंग मार्क्स है आपके 25 यानी 35 परसेंट ऑफ 70 ये 25 मार्क्स का आपको अटेम्प्ट लेने हैं थ्योरी के अंदर अब ग्रैंड टोटल की अगर हम बात करें क्योंकि सीसी आपके पास 30 मार्क्स का है और साथ में 70 मार्क्स का आपका थ्योरी है तो 100 मार्क्स का जो है वो टोटल आपका इवेल्यूशन सिस्टम रहा और 100 में से आपको हर सेक्शन में यानी सीसी में भी आपको 35% परसेंट यानी मिनिमम 11 मार्क्स लेने हैं और जो आपका 70 मार्क्स का थ्योरी है उसमें भी 35 लेने, लेने हैं लेकिन यहाँ आपकी जानकारी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्ट है जो कि स्टूडेंट अक्सर नेगलेक्ट करता है वो फैक्ट ये है कि दोनों में मिलाकर के एग्रीगेट आपका 40 परसेंट होना चाहिए अर्थात दोनों को मिलाकर के आपके 100 में से कम से कम 40 नंबर होने चाहिए और हर एक इंडिविजुअल सेक्शन में भी आपको पास होना है तभी स्टूडेंट्स जो है वो नेक्स्ट क्लास में जा पाएगा यानी उसे पास माना जाएगा इफ यू आर नॉट एबल टू फैच 40% परसेंट इन एग्रीगेट देन यू विल बी डिक्लेयर्ड एज फेल्ड इन दैट कोर्स सो दिस वॉज ऑल अबाउट योर सिलेबस cca and pattern of examination i hope that it will help you a lot and you will make your notes you will prepare your notes according to these pattern the assignment of the day is that note down your syllabus in your notebook note down the pattern of cca note down the pattern of question paper that will help you in your preparation so we shall meet tomorrow with the next lecture hoping with the good day to you.